दोस्तों जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था Honor 9 Lite के साथ Redmi Note 5 Pro में क्या क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, तो वो वाला वीडियो आप चेक कर सकते हो। और गाइस आज का इस वीडियो में आपसे बात करेंगे Honor 7X वर्सेस Redmi Note 5 Pro के बारे में। सो गाइस आज का ये वीडियो अंत तक देखते रहिए ताकि आप समझ जाइए कौन सा बेहतर है, Honor 7X अच्छा है या फिर Redmi Note 5 Pro अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिर्वाण और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन गुरु की और एक एपिसोड में। सो गाइस बिना कोई टाइम का बाकी लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों स्टार्ट करते डिजाइनिंग एंड बिल्ड क्वालिटी को लेके, तो डिजाइन की सबसे Honor 7X का डिजाइन काफी अच्छा है और Redmi Note 5 Pro का भी डिजाइन काफी अच्छा किया गया है। बिल मटेरियल तो दोनों में मेटल बॉडी देखने को मिल जाता है, लेकिन Honor 7X काफी हद तक थोड़ा सा स्लिम है Redmi Note 5 Pro के मुकाबले। और गाइस अगर आप डिस्प्ले देखते हो तो दोनों का ही आपको 8:9 डिस्प्ले मिल जाता है। दोस्तों Honor 7X काफी स्लिम है Redmi Note 5 Pro के मुकाबले। तो गाइस डिजाइन और बिल क्वालिटी के हिसाब से जो आपको पसंद आता है वो आप चूज कर सकते हो। बात करें डिस्प्ले का, दोनों में आपको 8:9 वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं कि डिस्प्ले का जो साइज होगा वो Honor 7X का डिस्प्ले का साइज है वो है 5.93 इंचेस, जबकि Redmi Note 5 Pro का डिस्प्ले है वो है 5.99 इंचेस। बात करते हैं रेजोल्यूशन का, तो आपको दोनों फोन में 1080x2160 पिक्सल रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब दोनों में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। बात करते हैं PPI का, तो Honor 7X का जो PPI है वो 407 रखा गया है, जबकि Redmi Note 5 Pro का भी PPI 403 रखा गया है। सो गाइस हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि Honor 7X का डिस्प्ले कुछ हद तक छोटा है और PPI कुछ हद तक ज्यादा है, तो इसका कलर रिप्रोडक्शन और व्यू एंगल कुछ हद तक आपको अच्छा दिखने को मिल जाएगा। लेकिन Redmi Note 5 Pro का भी अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप देखोगे स्पेक्स के मुताबिक तो ज्यादा आपका अच्छा Honor 7X में मिल जाएगा। फिलहाल बात करें वेरियंट को लेके, तो आपको Honor 7X में 4GB रैम और 64GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ एंड 32GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाता है, जबकि Redmi Note 5 Pro में आपको 4GB रैम और 64GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ और 6GB रैम और 64GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाएगा। तो रैम एंड इनबिल्ट स्टोरेज की हिसाब से आप Redmi Note 5 Pro को चूज कर सकते हो। बात करते हैं कैमरा को लेके, तो आपको Honor 7X जो कैमरा मिलता है वो 16MP प्लस 2MP डुअल रियर कैमरा, जबकि आपको फ्रंट में मिलेगा 8MP फ्रंट कैमरा और इसके बैक में आपको डुअल LED फ्लैश मिल जाएगा, फ्रंट में कोई फ्लैश नहीं दिया गया है। बात करें Redmi Note 5 Pro का, तो इसमें आपको बैक में 12MP प्लस 5MP डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जबकि फ्रंट में आपको 20MP कैमरा देखने को मिल जाएगा। फ्लैश की बात करते हो तो पीछे आपको डुअल टोन फ्लैश देखने को मिल जाएगा, जबकि सामने आपको सिंगल टोन फ्लैश देखने को मिल जाएगा। सो गाइस मेरे हिसाब से Redmi Note 5 Pro का कैमरा कुछ ज्यादा अच्छा होगा Honor 7X के मुकाबले। 5 Pro में आपको बैक कैमरा अच्छा मिलता है, फ्रंट कैमरा भी अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन Honor 7X का कैमरा उतना अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा Redmi Note 5 Pro के मुकाबले। बात करते हैं एंड्रॉइड की वर्जन को लेके, तो आपको एंड्रॉइड 7.0 का सपोर्ट दोनों फोन में देखने को मिल जाता है, लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि Redmi Note 5 Pro में बहुत जल्दी अपडेट मिल जाएगा, जैसे कि Xiaomi अपना अपडेट बहुत जल्दी रोल करता है, लेकिन Honor इतना अच्छा अपडेट नहीं देता है। बात करते हैं प्रोसेसर को लेके, तो आपको Honor 7X में मिल जाता है स्क्रीन की 659, जबकि आपको Redmi Note 5 Pro में मिलता है स्नैपड्रैगन की 636। सो गाइस प्रोसेसर की तरफ से स्नैपड्रैगन सबसे पहले होता है। सो गाइस Redmi Note 5 Pro आप चूज कर सकते हो, उसके बाद Honor 7X। और बात करते हैं GPU को लेके, तो आपको Honor 7X में मिलता है Mali-K T830 MP2, जबकि आपको Redmi Note 5 Pro में जो GPU मिलेगा वो मिलेगा Atom की 509। और बैटरी की बात करते हैं, तो आपको Honor 7X में मिलेगा 3348 बैटरी, जबकि आपको Redmi Note 5 Pro में मिलेगा 4000mAh की बैटरी। तो काफी अच्छा बैटरी देखने को मिल जाता है Redmi Note 5 Pro में। और गाइस सेंसर की बात करते हैं, दोनों फोन में काफी सिमिलर सेंसर दिया गया है, प्रॉक्सिमिटी लाइट सेंसर, गायरोस्कोप, कंपास, फिंगरप्रिंट सारे फोन में देखने को मिल जाएगा, लेकिन आयर ब्लास्टर आपको Redmi Note 5 Pro में देखने को मिलेगा, जो कि Honor 7X में नहीं दिया गया है। सो गाइस ये कुछ स्पेक्स था इन दोनों फोन का जो कि मैंने आपको कंपेयर किया। दोस्तों अगर आप अभी मेरा ओपिनियन मांगोगे तो मेरे हिसाब से Redmi Note 5 Pro के लिए जाइए, क्योंकि इसका डिस्प्ले अच्छा है और इसका इसमें आपको ज्यादा स्टोरेज मिलता है, ज्यादा रैम मिलता है, कैमरा काफी अच्छा है और इसमें आपको अपडेट भी मिलेगा फ्यूचर में और इसमें बैटरी भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। सो गाइस मेरे हिसाब से आप Redmi Note 5 Pro के लिए जा सकते हो। और गाइस आप मुझे जो कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा फोन लेना ज्यादा पसंद करोगे, Honor 7X या Redmi Note 5 Pro। और गाइस इन दोनों में से अगर कोई भी फोन लेना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, या फिर नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा। और दोस्तों इस तरह का वीडियो पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपसे फिर से मुलाकात होगा मेरी अगली वीडियो तक, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।